हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होगा। दोस्तों, गर्मियाँ बहुत पड़ रही है और आई होप आप में से हर एक इंसान यही चाहता होगा कि कोई ठंडी जगह चले। अब छुट्टियाँ भी आ रही हैं तो क्यों ना चलते हैं कुछ ऐसी कूल जगह जहाँ पर आकर आपको कुछ राहत मिले इस परेशान कर देने वाली गर्मी से। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज एक खास सफर की जो जा रहा है उन देशों की ओर जहाँ पर होती है बहुत सारी ठंड और आने वाला है बहुत मजा। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। जल्दी से कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। आई होप दोस्तों आपका हमें यूं ही प्यार मिलता रहा तो जल्दी हम अपने 1,00,000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लेंगे। तो दोस्तों, ऐसी दुनिया में बहुत सारी जगह है जहां बहुत सारी ठंड पड़ती है और खासकर ये ठंड तब अच्छी लगती है जब हमारे देश में गर्मी पड़ रही होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन कौन सी जगह है जहां पर ठंड बहुत ज्यादा होती है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं कुछ खास जगहों की सैर पर। सबसे पहले चलते हैं सबसे ज्यादा ठंडी जगह जो है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में वोस्टोक स्टेशन दुनिया का सबसे ठंडा शहर है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ का तापमान -82 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है। इस जगह का इस्तेमाल रूसी रिसर्च सेंटर के रूप में किया जाता है। अंटार्कटिका में बरसात का मतलब है यहाँ बर्फ की चादर पर बर्फबारी होना। बर्फीली हवाएं भी एक कारण है जिसकी वजह से तापमान इतना ज्यादा होता है। लेकिन बर्फ ही बर्फ देखनी हो तो आप यहाँ आ सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, अगली जगह है ग्रीनलैंड। जी हाँ, उत्तरी बर्फ वाला ग्रीनलैंड सबसे ठंडी जगहों में शुमार। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ग्रीनलैंड का इस्तेमाल ब्रिटिश रिसर्च स्टेशन के लिए किया जाता है। दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में से इसे एक गिना जाता है। नॉर्थ आइस में तापमान -66 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये घनी आबादी वाली जगह ग्रीनलैंड के बर्फीली द्रव्यमान के बीचों बीच स्थित है। यहाँ ज्यादातर तापमान बहुत ठंडा रहता है, इसलिए जिनको है ठंड से प्यार वो यहाँ जरूर आते हैं। और दोस्तों, ये है कनाडा का यूकोन। घनी आबादी वाला शहर कनाडा में मौजूद है। यहाँ का सुंदर नजारा और बर्फीले पहाड़ बहुत ही अट्रैक्ट लगते हैं। साथ ही यहाँ आकर्षण के केंद्र भी हैं। गर्मियों में आप इस सुंदर शहर में ट्रेन से सफर कर सकते हैं और रॉकी माउंटेन पर ट्रैकिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। सर्दियों में यहाँ का तापमान -62 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। गर्मियों में आप यूकोन के नेशनल पार्क और जीवों का भी शानदार दृश्य देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आप आ सकते हैं कोलोराडो के फ्रेजर में। दुनिया के सबसे ठंडे शहर में गिने जाने वाले इस शहर में तापमान -51 तक पहुंच जाता है। आपको बता दें कि यहाँ का स्किन रिजॉर्ट बेहद लोकप्रिय है, जो लोगों को स्किन करना बेहद पसंद है, साथ ही बहुत सारी स्नो एक्टिविटीज करना पसंद है वो यहाँ पर आते हैं। उनके लिए ये जगह एकदम परफेक्ट है। इस शहर की खूबसूरती बर्फ से ढकने के बाद और बढ़ जाती है। इसके अलावा फ्रेजर नदी को आप किसी भी कोने से देख सकते हैं। यहाँ टूरिस्ट के लिए कई मजेदार और एडवेंचर एक्टिविटीज के विकल्प मौजूद हैं। दोस्तों, ये है चीन का हार्बिन। दोस्तों, हार्बिन चीन का एक बर्फीला शहर है। यहाँ आपको यूरोपीय और रूसी में कई स्मारक और किले देखने को मिल जाएंगे और ठंड के साथ बहुत सारा मजा लेने का मौका भी। इस ठंडे शहर में लाखों लोग रहते हैं और यहाँ का तापमान -56 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। कभी कभी तो टेम्परेचर इससे भी नीचे चला जाता है। पर्यटकों के लिए यहाँ कई आइस और स्नो फेस्टिवल्स भी होते हैं, जिसकी वजह से इस शहर का आकर्षण और बढ़ जाता है। दोस्तों, ये है कनाडा का ओटावा। दोस्तों, कनाडा शहर अपनी वास्तुकला और संग्रहालयों के लिए काफी फेमस है। कनाडा का ओटावा शहर दुनिया के सबसे ठंडे शहरों में शामिल है। यहाँ ठंड के मौसम में पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। अगर आप इस जगह पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको बता दें कि यहाँ जनवरी के महीनों में तापमान -52 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। दोस्तों, आप जा सकते हैं अलास्का। सबसे ठंडी जगह अलास्का का बेरो। अलास्का के घनी आबादी वाले शहरों में बेरो भी आता है। आपको बता दें कि ठंड में इस शहर में तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये शहर अलास्का के उत्तर में है।
यहाँ पर्यटक हर साल ठंड में एक बार चक्कर लगाने जरूर आते हैं। बर्फ से ढके इस शहर का नजारा देखने लायक है। ये दुनिया का सबसे ठंडा शहर है। यहाँ आने के बाद गर्मी क्या होती है आप बिल्कुल भूल जाएंगे। अब दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि भाई हमें विदेश नहीं जाना, हमें तो अपने देश में ही गर्मियों की बेहतरीन छुट्टी बितानी है और ठंड का एहसास करना है। तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। आप जा सकते हैं सबसे बेहतरीन जगह मनाली, बहुत ही हरा भरा और पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका। यहाँ की साफ हवा आपकी सारी थकान दूर कर देगी और बहुत ही ठंडक का एहसास देगी। यहाँ पर पैराग्लाइडिंग, बाइकिंग, रॉकिंग, बहुत सारी एक्टिविटीज का आप आनंद ले सकते हैं। अगर आप यहाँ एक भी बार नहीं गए तो यहाँ का एक चक्कर लगाना बनता है। इसी के साथ दोस्तों, आप जा सकते हैं हर्षिली हिल्स, आंध्र प्रदेश में ये जन्मत है। अगर आपको हिल्स का नज़ारा देखना है तो यहाँ पहुँच जाइए। अगर आप अपनी भागदौड़ वाली जिंदगी से तंग आ चुके हैं तो यहाँ आकर आपको सुकून मिलेगा। यहाँ आकर आपको जगह जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बेहतरीन खूबसूरती आपका इंतजार कर रही है। इसी के साथ दोस्तों, लद्दाख, बाइक प्रेमियों की सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह है लद्दाख। गर्मियों में यहाँ जाना राहत भरा है। यहाँ पर आप तरह तरह की चट्टानों का लुत्फ उठा सकते हैं, अलग अलग तरह की झीलें और लुब्रा घाटी की शान को भी देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर समय है तो औली को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। ये भारत की सबसे ज्यादा ठंडी जगहों में से एक है। सूरज की किरणों के साथ यहाँ की हरियाली किसी का मन मोह लेगी। यहाँ पर आप ट्रैकिंग का आनंद ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, ये है तवांग, अरुणाचल प्रदेश का तवांग। यहाँ पर आपको पेड़ों से ढके और सजे हुए पहाड़ देखने को मिलेंगे। ये पहाड़ी इलाका आपकी छुट्टियों के लिए एक बेहतरीन जगह है। और हाँ दोस्तों, अगर बर्फ का मजा लेना है तो कश्मीर। जब हम बात गर्मियों से राहत पाने की कर रहे होते हैं तो कश्मीर को कैसे भूल सकते हैं। वैसे भी कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। कश्मीर के पहाड़, गार्डन और कई तरह की झीलें और उसकी खूबसूरती आपको यहाँ बार बार बुलाती है। इसी के लिए यहाँ आना तो बनता है। और हाँ, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो लक्षद्वीप चले जाइए। 36 से ज्यादा छोटे छोटे टापूनुमा द्वीपों में बटा है। इन सभी द्वीपों पर मूंगे के रीफ, रेतीले तट और सुंदर प्राकृतिक नजारे देखने को मिलेंगे। प्रदूषण रहित हवा, साफ पानी, ठंडक तो नहीं मिलेगी लेकिन राहत जरूर मिल जाएगी आपको। आई होप दोस्तों, ये खूबसूरती आपको पसंद आई होगी। और हाँ, आप नैनीताल भी जा सकते हैं जो आपके बेहद ही करीब है और खूबसूरत भी। नैनीताल के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। यहाँ की बोटिंग और यहाँ के नज़ारे दोनों ही काफी फेमस है, तो इसलिए समय मिले तो इन जगहों को जरूर एक्सप्लोर कीजिए। आई होप दोस्तों, आपको ये खूबसूरत जगह पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आप कहाँ जा रहे हैं अपनी इन खूबसूरत छुट्टियों को बिताने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।